दो दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव की शुरुआत हो गई है और 9 और 10 अगस्त को दो दिन यहां पर विभिन्न जो आदिवासी झलकियां है वो देखने को मिलेगी। बता दें कि जल जंगल जमीन के असली रखवाले आदिवासी आखिर रहते कैसे हैं, उनका रहन सहन कैसा है और वेशभूषा कैसा है वो दिखाने की कोशिश जो है वो झारखंड सरकार की है और पूरा देश ही नहीं देश दुनिया की नजर झारखंड पर रहती है। और वो जो किताबों में पढ़ते हैं कि आखिर कैसे ट्राइबल है वो रहते हैं और ट्राइबल का सबसे बड़ा गढ़ जो है वो झारखंड माना जाता है, तो कैसे तमाम चीजें करते हैं उसे प्रदर्शनी के जरिए दिखाने की कोशिश झारखंड सरकार की है। और झारखंड ही नहीं पूरे देश के आदिवासियों को एक अलग पहचान इस आदिवासी महोत्सव से मिल रहा है। बता दें कि लगातार तीसरा मौका है जब भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में जो है आदिवासी महोत्सव मनाया जा रहा है और दो दिवसीय आदिवासी महोत्सव को लेकर जो लोगों में उत्साह है वो गजब का है। आपको दिखाए तो चारों ओर जो आदिवासी परिधान होता है वो तमाम जो आदिवासी समाज से जुड़े लोग या अन्य लोग वो पहन कर आते हैं। उसके अलावा विभिन्न स्टॉल बनाए जाते हैं, तरह तरह की प्रदर्शनी इस भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में है जिससे पूरी दुनिया देखती है कि आखिर जो आदिवासी है जो जंगल जंगल जमीन की बात करते हैं जिनका असली जो मालिक पूरे जंगल के है वो कैसे रहते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या कुछ अलग खाते हैं, तमाम चीजों को बताया जाता है। तो आपको देखिए यहाँ पर कई जो महिलाएं हैं वो आप देखेंगे लाल पाड़ की साड़ी। हम बात करते हैं किसी से, क्या कहेंगे, कितना उत्साह रहता है आदिवासी महोत्सव को लेकर के? तो देखिए आदिवासी महोत्सव को लेकर उत्साह है, हालांकि चेहरे पर ही आप मुस्कान देखकर समझ सकते हैं। और आपको आगे हम इस ओर दिखाए तो देखिए ये भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान है। भगवान बिरसा मुंडा की जो अंतिम सांस थी इसी जेल में हुई थी, तो उन्हीं की याद में और झारखंड आदिवासी महोत्सव का मौका है तो इसे चुना गया है। इस स्थान पर तमाम जो चीजें हैं वो दिखाई जाती है और आपको दिखाएं तो देखिए किस तरह का खूबसूरत झारखंड आदिवासी महोत्सव का जो कटआउट है वो बनाया गया। जैसे ही आप इंटर करेंगे गेट से, गेट नंबर 2 से, तो उसके बाद आपको सामने में ही झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 जो है वो दिख जाएगा, झारखंड का नक्शा। और उस नक्शे में दिखाने की कोशिश है कि कैसे विभिन्न अलग अलग इलाकों में जो आदिवासी रहते हैं, जो जादू पेटिया पेंटिंग हो या फिर जो घर पर पेंटिंग होती है आदिवासियों के घर पर, वो हम जो आदिवासी पेंटिंग होती है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए कैसे सिंह जो कह सकते हैं कि वो है, ढोल नगाड़ा मांदर बजा रहे, महिलाएं जो सुहराए डांस है वो कर रही है, नीचे में घर है, तो तमाम अलग अलग चीजें एक जगह आपको देखने को मिलेगी। और देखिए इस कटआउट पर लोग जब पहुंचते हैं तो खुद को फोटो खींचने से रुकवा नहीं सकते हैं, लोग जो है वो यहाँ पर अपना फोटो क्लिक कराते हैं, इस यादगार लम्हे को अपने पास कैद करते हैं। और दिखाए तो देखिए अभी भी जो विभिन्न अलग अलग आदिवासी संगठन के लोग हैं वो इस आदिवासी महोत्सव में भाग लेने के लिए पहुंच रहे थे। विश्व आदिवासी दिवस और बालक विद्यालय देखिए जोहार जो झारखंडी से शुरुआत करता पूरे अलग लुक में आज पूरी दुनिया देख रही है झारखंड को, बहुत अच्छा लग रहा है। यही यूनिक इसलिए किए हैं ताकि हर कोई को मतलब हर कोई का आकर्षित कर सकूं और इसी मतलब आकर्षित करके मतलब संदेश लोगों तक पहुंचा सकूं कि जल जमीन और धरती को बचाना कितना जरूरी है, यही सब संदेश लेके हम सब आए हैं एकजुट होके। देखिए पर्यावरण को संरक्षण करने को लेकर हर कोई दावा करता है, लेकिन अगर आदिवासियों की बात करें तो वो ही असली मालिक जंगल को बचाने के हैं, नहीं तो अब तक जंगल खत्म हो जाता। और उसे भी दर्शाने की कोशिश है किस तरह से इनके जो पूर्वज थे हमारे वो रहते थे, पौधा का जो पत्ता है वो पहनकर, सिर में मुकुट के लिए देखिए आप पत्ता है, और तीर धनुष जो हथियार पारंपरिक है वो लेकर पहुंचे। और आगे आते हैं और दिखाते हैं, देखिए जो मांदर की थाप पे जो डांस वो आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे जो तमाम लोग गीत है वो दर्शाया जा रहा है। और क्या कहेंगे आज पूरा झारखंड ही अलग रूप में है, ऐसा है ना कि सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे देश में आज सभी आदिवासी मिलजुल के चाहे किसी ग्रुप का उरांव मुंडा हो, संथाल, खड़िया, भील सारे लोग, क्योंकि जब से आजाद हुआ इसके पहले भी जब बड़ी बड़ी डैम बनी तो भारत सरकार ने छुपाया कि भारत देश में आदिवासी है ही नहीं,
जब विश्व बैंक से लोन लेने की बात हुई, बड़े फैक्ट्री की बात हुई, तो वहाँ उस क्षेत्र में आदिवासी नहीं होंगे विस्थापित, ये सर्टिफिकेट दिया। एक अलग पहचान लगातार तीन बार से आदिवासी महोत्सव के लिए। तो ये जो है ना, ये जो लगातार हम लोग एकजुट होके या संगठित होने का अपना हक और अधिकार को लड़ने के लिए लेने के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। कल के फूट करके सरकार ने हम लोग को अलग अलग करने का प्रयास किया, अब हम लोग एकजुट है और आगे भी रहेंगे। तो देखिए एक साथ एक बात है कि अभी वर्तमान में पाकुड़ में हमारे ये आदिवासी ठीक है। तो देखिए साफ तौर पर जो आदिवासी कैसे एकजुट है वो आपको दिखा रहे हैं। और तो देखिए आदिवासी जो तमाम है वो एकजुट कैसे, वो इनका कहना था, पूरी दुनिया देख रही है और आपको दिखाए। तो देखिए जो डांस है वो तमाम आदिवासी महिलाएं जो है वो करते हुए लगातार आपको रांची ही नहीं पूरे झारखंड के आज हर कोने में ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है। तो अपने आप में आदिवासी महोत्सव जो है वो अलग पहचान आदिवासियों को दे रहा है और इनकी जो विलुप्त होती तमाम परंपराएं है उसे दुनिया को दिखाने का काम कर रहा है कि कैसे जो आदिवासी है वो रहते, इनका परिधान कैसा है, इनका नृत्य कैसा है, पेंटिंग कैसी है, घर कैसा है, तो तमाम चीज इस आदिवासी महोत्सव में आपको देखने को मिलेगी। द न्यूज़ पोस्ट से थोड़ी और अपडेट आपको देगा, बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, अपने सहयोगी रवि के साथ, समीर द न्यूज़ पोस्ट रांची।